हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। अभी ना मैं जिम गया हुआ था, जिम से आया हूँ। मेरी ना कोई बाइक खड़े खड़े में ठोक गया, मार गया है। और रुको, मैं तुम्हें बैक कैमरा से दिखाता हूँ। ये देखो, इसका ये है ना, ये चीज़ इसकी पूरी पीछे की तरफ चली गई है। ये तो मैं इसको अभी खुद कोशिश कर रहा था कि बाहर निकल जाए, ऐसे एकदम पीछे पिचकी हुई थी। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि कोई बंदे ने मारी कैसे, क्या करा। अब इसको लेके जाना पड़ेगा वर्कशॉप, लेके जाते हैं। पता है नहीं यार, बंदे इतना कलप थे। देखो यहाँ पे भी इसके निशान मार गए थे बंदे, इधर मार गए। अब समझ नहीं आती क्या इनको दिक्कत है। मतलब लिटरली बंदे इतना चिढ़ते खड़ी बाइक के ऊपर मार जाते हैं। ये तो खैर सोसाइटी के अंदर नहीं हुआ, सोसाइटी के अंदर ये जो तो स्क्रैच थे ये लगे थे, कैसे लगे थे पता नहीं। ये तो मेरा जिम के बाहर हुआ है। बड़ी मुश्किल से बाइक लेके आया हूँ घर तक, बाइक चल नहीं रही है। पीछे के टायर पे बार बार वो लग ही जा रहा है रिफ्लेक्टर। चलो यार अब देखते हैं। तो गाइस, जब मैं जावा आया हूँ और यहाँ पे उन्होंने जब चेक करा तो उन्होंने बताया कि जो ये है, एक सेकंड रुको, बैक कैमरा का जो ये हुआ है ना, ये किसी ने मारी ही है। प्लस अब ये रिपेयर नहीं हो सकता क्योंकि ये ना फट गया है यहाँ से, इसलिए अब ये नया डल रहा है। अब जो नया डल रहा है ये डलेगा 5-5.5 हज़ार समथिंग का डल रहा है पूरा। तो अब नया डलवाते हैं यार, क्या कर सकते हैं। और ये देखो, जो रिफ्लेक्टर अंदर गया था ना, उसकी वजह से टायर पे भी एक लाइन पड़ गई है। अगर तुम लोगों को दिख रही हो, ये देखो दिख रही है ना ये लाइन, ये अंदर ही घुस गया था उसके। बताओ यार, बेफालतू का खर्चा मेरे सर पर आ गया। गाइस, मेरी ये इसके अंदर जो उनसी इंडिकेटर की तार होती है ना, ये भी पूरी कटी पटी सी पड़ी हुई थी, तो अब ये भी नहीं डल रही है। ये देखो, ये मेरा पुराने वाला है, ये नए वाला है। पुराने वाला तो एकदम ही ख़राब ख़त्म सा ही हो गया। देखो अब तो नया ही लग रहा है, तो बढ़िया है। चलो तो गाइस, अपना ये नया लग गया है। मेरी किस्मत ही देख लो कितनी ख़राब है, बाइक खड़े खड़े को भी कोई ठोक जाता है। तो गाइस, बाइक का काम हो गया है। अब इसकी सोचा बजा ले भाई, तो पहले बजा ही लो। अब इसकी वही लैमिनेशन चेंज हो जाएगी, फिर यहाँ पे अपने बाइक के स्टिकर भी लगवा देंगे। बढ़िया। अब गाइस, अपना फुल बढ़िया ये सब उतर रहा है। आई गेस, बस आई होप कि जो स्क्रैचेस थे वो टैंक पे ना हो गए नहीं वैसे, बाकी देख लेते हैं। अब मैं इसमें करवा रहा हूँ, पूरा ग्लॉस करवाऊँगा, ग्लॉस फिनिश करवाने वाला हूँ बाइक पे ना। तो बढ़िया लगेगी, अब बाइक नहीं आएगा, स्क्रैचेस वगैरह नहीं आए। जिसने भी कोशिश करी थी उसकी कोशिश बेकार गई, एकदम नहीं आए। खुश हो गया हूँ मैं अब। गाइस, लैमिनेशन हो गई है स्टार्ट, होती है पूरी, तो दिखाता हूँ मैं तुम लोगों को। अब देखो गाइस, ग्लॉस होते ही बाइक की लुक एकदम चेंज हो गई, लग रही है ना सेक्सी एकदम। तो गाइस, ऑलमोस्ट अपनी बाइक का काम हो गया ख़त्म। अब तुम लोग देखो, शेर एकदम ग्लॉस हो गई है, मिरर जैसा हो गया है, लग रही है ना एकदम प्यारी अब। बाकी ये तो तुम्हें पता ही है, नया लग गया। चलो यार अब घर चले, अब गर्मी लग रही है बहुत। ओके गाइस, सो फाइनली अब लोग पहुँचे हैं घर। बहुत ज़्यादा थक गया यार, गर्मी बहुत थी, बट हाँ सारा काम हो गया है। ये नया लग गया है जैसे मैंने तुम्हें बताया ही था, और ये जो पुराने वाला था ना वो मैंने साथ ले भी आया हूँ। एक सेकंड को बैक कैमरा कर रहा हूँ। ये देखो अब ये ना पूरा ग्लॉस हो गई है बाइक, बढ़िया लग रही है ना अब। ये भी पूरा ग्लॉस हो गया, यहाँ से ये चीज़ ग्लॉस हो गई, इधर भी ग्लॉस हो गया, इधर भी हो गया, और आपका इधर भी हो गया। तो बाइक की थोड़ी सी लुक चेंज करवा दी है। अब यहाँ पे अपना यूट्यूब का स्टिकर लगा देंगे, इधर लगाएंगे, इधर यहाँ पे, इधर हाँ यूट्यूब का स्टिकर लग जाएगा, ये खड़ी हिमालयन। अब बढ़िया हो गई बाइक एकदम। अब इसके चेन वेन साफ करूँगा, बस दोनों की करने वाली हो रही है, तो उसके लिए भी एक वीडियो बना दूँगा, या देखूँगा अगर आज ही करूँगा तो उसके साथ ही जोड़ दूँगा चाहे। ओके गाइस, ये वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मैं अब आपसे मिलता हूँ बहुत जल्दी नए ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर गाइस। चेक करो कितनी प्यारी लुक आ रही है यार बाइक की,
जेन्युइन लुक आ रही है यार, मज़ा आ गया देख के, बहुत सेक्सी। बाकी यहाँ पे कुछ सीन हो गया है, यहाँ पे स्पेशल फोर्सेस आई है, सोसाइटी के अंदर जा रही है, पता नहीं क्या होगा, कल सुबह आ जाएगा न्यूज़पेपर न्यूज़ में, देखते हैं। बाकी बाइक लग रही है अब एक नंबर, एकदम दिल खुश हो गया, पैसा वसूल हो गया गाइस।